स्वागत करना चाहेंगे ईरा सिंघल का। ईरा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ईरा सिविल सर्विस परीक्षा 2014 में ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 पे रही थी। स्माइल मोर स्कोर मोर, प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों मन की बात में ये जुमला दिया था, तो क्या ये सच है कि जितना मुस्कुराएंगे उतना अच्छा कर पाएंगे? हाँ, क्योंकि आप जब मुस्कुराते हैं एग्जाम टाइम पे, मतलब आपका दिमाग शांत है, शांत दिमाग के आइडियाज ज्यादा आते हैं। आप टेंशन में होंगे तो आपको आइडियाज भी उतने ही आते हैं। आप पैनिक क्रिएट्स क्लाउड इन योर माइंड, तो आप उतना ही सोच पाते हैं। तो जब आप शांति से जाएंगे, आप ये सोच के जाएंगे कि ठीक है जैसा होगा मैं करूंगा, खुशी से जाएंगे तो पेपर भी अच्छा ही होगा। हम सुनते हैं कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, ऑब्जर्वेशन, आंकलन की क्षमता लाएं, तो जो साइंटिफिक टेंपर की बात है, क्या यही है और कैसे हम इसको और बढ़ाएं अपने व्यक्तित्व में? यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट। क्या होता है, हम जब साइंटिफिक टेंपर सोचते हैं ना, तो सब लोग ये सोचते हैं कि साइंस के बारे में बात हो रही है, तो आप फिजिक्स सोचने लगते हैं, केमिस्ट्री सोचने लगते हैं, बायोलॉजी सोचने लगते हैं, बट कि ये वो चीज़ ही नहीं है। साइंस कहता है हर चीज़ को एनालाइज करो, प्रूफ ढूंढो और फिर उसके ऊपर विश्वास करो, विच मीन्स कि आप डेटा लीजिए, डेटा को एनालाइज करिए, डेटा के बारे में सोचिए, ये चेक करने की कोशिश करिए कि क्या जो आप सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं। सो दैट कम्स इन एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप लाइफ में किसी से मिलते हैं, किसी के बारे में जो सोचते हैं वो भी एक साइंटिफिक टेंपर से आप अपनी रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं, बिकॉज आप उनके रिएक्शंस को, उनके थॉट्स को साइंटिफिक टेंपर से जज कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और फिर आप साइंटिफिक, मतलब ऑल योर रिलेशनशिप्स कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय दैट। तो आई थिंक, यानी जो सवाल आज आने हैं कार्यक्रम में, सिर्फ वो लोग कॉल ना करें जो साइंस का पेपर दे रहे हैं, कोई भी किसी भी विषय में सवाल कर सकते हैं। जी, इस समय दिल्ली से वीरेंद्र हैं फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए। सर, आई हैव सम प्रॉब्लम, व्हेनेवर आई रीड आई गेट नर्वस, सो प्लीज गिव मी सम सजेशन। जी हेलो जी, ईरा जब नर्वस हो जाते हैं तो फिर उसका सामना कैसे करें? सबसे पहली चीज मैं तो ये करती हूँ, अगर मुझे टेंशन होती है तो मैं सो जाती हूँ। एग्जाम में सो नहीं सकते? नहीं, आप सो सकते हैं। अच्छा। 15 मिनट के लिए भी अगर आप सो जाएंगे ना, आपका दिमाग ठंडा हो जाता है। दूसरी चीज, आप नर्वस पढ़ते समय क्यों हो रहे हैं, पहले आप ये सोचिए, क्या ऐसा है कि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और आपने इतना डिले कर दिया है, जो कि मेरी आदत थी जिस वजह से मैं सो भी जाती थी फिर, कि आपने इतना डिले कर दिया है कि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, या आपको लग रहा है आपको याद नहीं हो रहा है? याद नहीं हो रहा है तो उसकी बहुत टेक्निक्स हैं, आप लिख के करना शुरू कर दीजिए, जो पढ़ रहे हैं उसे लिखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसे प्रोड्यूस करिए, किसी को टेस्ट करवाइए अपने आप को बार बार, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम बचा है, तो आप एक प्लान बना लीजिए कि आप कितना कोर्स करेंगे और उसके लिए आपको कितना कितना टाइम चाहिए। एक आपके पास स्ट्रक्चर हो जाता है, प्लान हो जाता है, तो थोड़ी नर्वसनेस कम हो जाती है, बिकॉज आपको पता है आप कहाँ पे हैं, अपने टारगेट से कितना दूर हैं और कितनी इजीली आप पहुंच सकते हैं। जी, तो बहुत जरूरी है कि अगर नर्वसनेस हो, जो भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ी देर रोक दीजिए, और जब आप थोड़ी देर आराम करेंगे तो आप वापस अच्छा कर सकते हैं। ये बोर्ड में, बोर्ड का ज्यादा हुआ बन जाता है ईरा। हाँ, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो बोर्ड के क्वेश्चंस एक्चुअली आपके 11th क्लास के स्कूल के क्वेश्चंस से सिंपल होते हैं, बट क्योंकि दुनिया आपको उससे जज करती है, तो प्रॉब्लम क्या है ना, हर चीज वो इंपॉर्टेंट हो जाती है जो दुनिया आपको जिस पैरामीटर से जज करने वाली है। तो क्योंकि दुनिया आपको बोर्ड के पैरामीटर से जज करेगी, तो वो इतना बड़ा टेंशन की चीज बन जाती है कि बेचारे बच्चे को जो आता होता है वो भी आधा भूल जाते हैं। अगर कॉमन सेंस से देखें तो ये भी एक एग्जाम ही तो है, जिसमें आपके जान पहचान के नहीं, दूसरे टीचर ने जज करना है, पर उससे आपको फर्क क्या पड़ता है, आपने जो पढ़ा है आपको वही प्रोड्यूस करना है। और अमित का सवाल लेते हुए, ये सबको लगता है, ये हर बच्चे को लगता है, आपको भी लगता था, IAS टॉपर को भी नर्वसनेस होती थी? शायद मेरे फाइनल अटेम्प्ट में नहीं हुई थी, क्योंकि तब मैं ये सोच चुकी थी अब जो होगा देखा जाएगा। 10वीं 12वीं में बहुत ज्यादा, तब तो यही लगता था कि कुछ नहीं आता है, एंड इनफैक्ट शायद आता भी नहीं था, पर हाँ ठीक है, नहीं ये बहुत नॉर्मल है। पर आप इनकरेज करेंगे स्टूडेंट्स को कि जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं, कि रट्टे ज्यादा ना मारे, अगर सन सेंटर में है, अर्थ चक्कर लगा रही है और सूर्य ग्रहण है, यानी चांद ही बीच में आया होगा, अगर सोच लूंगा तो मुझे रट्टे मारने की जरूरत नहीं कि ये सोलर इक्लिप्स हुआ है कि लूनर इक्लिप्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, हम पढ़ाई को ना एक नॉलेज की तरह नहीं लेते हैं, एक एग्जाम पास करने के तरीके की तरह लेते हैं, और वो एग्जाम क्यों पास करना है, ताकि हमें आगे जाके कोई नौकरी मिल जाए, तो हम लोग कभी यही नहीं सोचते कि हमें कुछ सीखना है, वो पर्सपेक्टिव ही नहीं है। एंड इसीलिए लोग बहुत पहले से एक टारगेट बना के सिर्फ उसी के लिए काम करते हैं, जबकि आइडियली आपको सीखना है, दुनिया में पढ़ाई आपको सिखाने के लिए है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए 11th 12th 10th जो भी क्लास है, ये सोचेंगे कि मुझे सीखना है, आप उसे उस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, आप इनफैक्ट अपनी बुक से बाहर जाके एक्सप्लोर करेंगे जब आप ये सोचने लगेंगे, एंड अपने आप आपके ना तो आपको टेंशन होगी ना आपको रटने की जरूरत होगी, और जितना क्वेश्चन में आएगा उससे ज्यादा आपको आता होगा। सर मुझे पूछना था कि अपने आपको कंटिन्यू मोटिवेट किस प्रकार रख सकते हैं? जी
कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड कैसे रखें इरा? सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी नहीं होता है, कंटिन्यूअसली मोटिवेट होना इम्पॉसिबल सा ही है. पर क्या प्रॉब्लम है अगर आप कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब क्या गड़बड़ है उसमें? नहीं, मैं अगर कभी बीच बीच में निराश हो जाऊं, ठीक है, नॉर्मल. हाँ, देखिए बात यह है कि आप उस निराशा से बाहर आ पाते हैं कि नहीं. अगर आप डीमोटिवेटेड ही रहते हैं तो प्रॉब्लम है, पर अगर आप कभी कभी नर्वस होते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं. एंड जब आप डीमोटिवेट होते हैं तो आप ये याद करिए कि आप वो चीज करने के लिए आपने स्टार्ट क्यों किया था, आपको ऐसा शुरू में क्यों लगा था कि आप कर सकते हैं. अगर आपको ये लग रहा है कि कोई जेन्युइन कारण था जिस वजह से मैं कर सकता था, तो कारण क्या वो खत्म हो गया है? अगर आपने अपने आप को सही इवैल्यूएट किया था तो आप हमेशा हर मिनट आपको वापस याद आएगा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ. और अगर आपको लग रहा है वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल संभव नहीं है, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, कुछ और करिए ना. जिंदगी में ऑप्शंस बहुत हैं, देखने के नजरिए की बात है और सोच की बात है, क्यों आप एक चीज पर अटक जाते हैं. ये मोस्टली द प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स आर पुट बाय पेरेंट्स. व्हाट विल यू एडवाइस इरा टू द पेरेंट्स वाचिंग द प्रोग्राम? बट एक प्रॉब्लम है ना उसमें, हम पेरेंट्स को भी गलत ब्लेम नहीं कर सकते. उन्होंने जो अपने सर्कमस्टेंसेस देखे थे वो उससे अपने बच्चे की सिचुएशन भी जज करते हैं. एंड कई बार क्या होता है, पेरेंट्स का उस सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं है, वो डिफाइन नहीं कर पा रहे कि मेरा बच्चा कितना पढ़ता है, कितना उसे आता है और वो एग्जाम में कैसा करेगा, जिस वजह से उन्हें पैनिक हो जाता है. मतलब हमें पैनिक कब होता है, जब हमारा कंट्रोल नहीं है सिचुएशन पे. तो बहुत नेचुरल है कि पेरेंट्स का ये पैनिक हो, बट पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि आप पैनिक कर क्यों रहे हैं. आपको ये नहीं पता कि बच्चे को कितना आता है, आप सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से जज कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि उसने कुछ नहीं किया या उसने आपके हिसाब से कम पढ़ा, या आपको ये नहीं पता कि बाकियों ने कितना पढ़ा है, तो आप उस हिसाब से अपने बच्चे को जज करके सोच रहे हैं कि शायद इसने कम किया है और फिर आप पैनिक हो जाते हैं. तो पॉइंट ये है, आप ये समझिए एज पेरेंट्स कि आप क्यों ये सोच रहे हैं. एंड दूसरा, डोंट ट्रांसमिट योर फियर्स टू योर चाइल्ड. आपके जो डर हैं, आपने जो शायद आपने अपने करियर में उतना अच्छा नहीं किया जितना आप चाहते थे, तो आपको लगता है आपका बच्चा भी नहीं कर पाएगा और इस वजह से आप उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं. तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से अपने बच्चे को सिखाइए जरूर, बट उसकी लाइफ को फियरफुल मत बनाइए, उसको दबाइए मत उन प्रेशर्स में. चलते चलते बेस्ट विशेस भी दीजिए. और क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को जो एग्जामिनेशन के उत्सव में उतरने वाले हैं? मैं उन सब बच्चों को सिर्फ यही कहूंगी कि देखो, अपने भरोसे पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है किसी और ने कितना पढ़ा है. एंड टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने जो पढ़ा है ना तुम वही प्रोड्यूस कर पाओगे, तो टेंशन लेके फायदा क्या है. एंड डीमोटिवेट होने से कोई गड़बड़ नहीं होती है, कोई बात नहीं, सब होते हैं, ठीक है. इतना प्रेशर मत लो किसी चीज का, जिंदगी एक ही मिली है, सब इंजॉय करो, सब अच्छे से जियो. एंड सीखने की सोचो, ये नहीं है कि मुझे एग्जाम पास करना है, अपनी पढ़ाई को थोड़ा इंजॉय करने की कोशिश करोगे तो कर लोगे.